नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने आज जो कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। अगले साल 2022 की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर समेत कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आखिर में चुनाव है। और ऐसे में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का साथ मिलना कांग्रेस को चुनावी रेस में कितना आगे ले जाता है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक के बाद एक चुनाव हार रही कांग्रेस अब खुद को बदलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की नजर विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी है। चुनाव में जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए पार्टी जाति समीकरणों के साथ ही युवाओं पर दाव लगाने जा रही है, ताकि 2024 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की जा सके। दलितों को सकारात्मक संकेत देने के लिए पहले चरणजीत सिंह चन्नी का पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया और अब जिग्नेश मेवानी की एंट्री हुई है। दरअसल से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अपने पुराने और परंपरागत दलित वोटों को दोबारा से वापस लाने के लिए एक तरफ कदम उठाने को तैयार है और एक के बाद एक तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि इन दिनों नेताओं का कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला भी बरकरार है। इस रिपोर्ट में देखिए, लंबे समय से चला आ रहा विपक्षी का खेल खत्म हुआ। कांग्रेस कन्हैया कुमार राहुल की मौजूदगी कन्हैया अब अपनी राजनीति को लेकर आज तक नजर आ रहे तो कांग्रेस को पार्टी के नौजवान हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के, हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डेफिनेटली इट विल गिव ए वेरी स्ट्रांग मैसेज टू द कंट्री that young generation, those who are fighting for the needy people, poor people, those who are fighting for non-violence, they must enthusiasm through this entry of our young leaders to the Congress party. मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। भाई कांग्रेस की जीत गई संबंध में भारत का वापस अपनी अंदाज हो गया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कन्हैया कुमार की सदस्यता लेने के मौके पर ट्वीट करके आला कमान को 1973 में इसकी किताब कम्युनिस्ट कांग्रेस दोबारा पढ़ने की सलाह। 1973 में इसकी किताब कम्युनिस्ट कांग्रेस दोबारा पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। भाई जिग्नेश मेवानी की सदस्यता से गुजरात विधानसभा चुनाव में फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिग्नेश गुजरात में दलितों की अगुवाई करते हैं। कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए, और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं।
लेकिन दोनों नेताओं के पार्टी में शामिल होने का मजा कैप्टन अमरिंदर ने पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से कैप्टन नाराज है। उनको हटाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सॉरी अमरिंदर कहा था। बदले में कैप्टन अमरिंदर ने अब सॉरी सोनिया के लिए तैयारी रखी है। लिहाजा खबरों के मुताबिक कैप्टन मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने दिल्ली पहुँच गए हैं। मैंने कहा था स्टेबल है जी, आप ही दिखा दिया सिद्धू को। जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। दरअसल पांच राज्यों में चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की आयाराम जयराम की शुरुआत हो गई है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी के शामिल होने से पहले ही पार्टी मुख्यालय के बाहर पोस्टर और बैनर लगा दिए गए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पार्टी में आने वाले के मुकाबले पार्टी में होने वाले उम्मीदवार ज्यादा नजर आ रहे थे। हाल ही में कांग्रेस नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री किंग जिन्हो प्लेनियो ने पार्टी छोड़ी। समझा जा रहा है कि प्लेनियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद प्लेनियो ने पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में कांग्रेस के पास बंपर के लिए जरूरी 21 विधायकों का समर्थन था, लेकिन पार्टी के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने उन्हें राज्यपाल के पास जाने से रोक दिया था। गोवा में पिछले 4.5 सालों में 18 में से 13 विधायक पार्टी खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश त्रिपाठी ने पार्टी छोड़ दी है। ललितेश यूपी के सीएम गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे। कमलापति त्रिपाठी के परिवार से आते हैं। इस परिवार का वाराणसी से लेकर पूर्वी यूपी के बड़े इलाके में खासा प्रभाव। इससे पहले बीजेपी में शामिल हुए त्रिपाठी को यूपी मंत्री बना दिया गया। वही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राजनीति को कन्या होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो कांग्रेस की राजनीति सक्रिय राजनीति में नहीं आए। उनके भाई अभिजीत मुखर्जी पहले ही पार्टी को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। असम से कांग्रेस सांसद रहे दीपिका देव पहले तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले चुकी है। देखा जा रहा है कि कांग्रेस के युवा नेताओं का पार्टी से मोहम होता जा रहा है और टीम राहुल बनने की तैयारी नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी का कांग्रेस मुक्त अभियान खूब रंग ला रहा है। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात करेंगे राहुल की नई टीम की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में आ गए हैं और साथ ही साथ गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कांग्रेस कितनी मजबूत होगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। शकील अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के लीडर है सर, आपका भी बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि लीडर हैं टीएमसी के। बादल जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत स्वागत है राहुल जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा शकील अंसारी जी आपसे है। शकील जी, अब सवाल इस बात को लेकर है यूथ इन और यूथ आउट के बीच में क्या भविष्य के चेहरे को लेकर कंफ्यूज है क्या कांग्रेस की रणनीति? कांग्रेस की राजनीति इसमें क्यों कंफ्यूज हो सकती है? डेमोक्रेसी है और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। ये समुंदर है, कितने आते हैं कितने भी जाते भी हैं तो उससे इसको फर्क नहीं पड़ती। फर्क ये पड़ती है कि जो आइडियोलॉजिकल हिंदुस्तान में अपनी मजबूत आइडियोलॉजी के साथ हैं वो कांग्रेस के साथ रहेंगे ही, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल कांग्रेस पार्टी इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है, सभी धर्म के लोगों को सम्मान देकर, नौजवानों और जितने इंडस्ट्री है जितने लोग हैं सब लोगों को मिला के कांग्रेस पार्टी बनती है। जिसने आंदोलन किया है, जिसने इस देश को प्रगति के मार्ग पर ले गए हैं। जब आजादी के वक्त एक सुई नहीं हिंदुस्तान में बनती थी तो कांग्रेस पार्टी ने आज रॉकेट बना के, आज न्यूक्लियर पावर बना के आज इस पोजीशन पर ला के रखा है। आज जो लोग हैं सत्ता में
वो बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन है कहाँ, आप देख लीजिए तो आज देश की स्थिति कहाँ है, इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ है, माइनस पर चल रही है इकोनॉमी हमारी, नौजवानों को नौकरियां डेली खत्म हो रही है, न सरकारी क्षेत्र में न जब प्राइवेट क्षेत्र में उनको मिल रहा है, एक साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनसे कोई बात नहीं करने वाला है। तो ऐसी हालत में हमारे नौजवान साथी कांग्रेस के नीतियों पर जो भरोसा करते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, निश्चित रूप से ज्वाइन करेंगे और उनका हम स्वागत भर करेंगे, उनका हम उनकी हम सेवाएं भी लेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनका योगदान भी होगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनका योगदान रहेगा। महेश वर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है, इससे पहले हमने देखा कि हार्दिक पटेल, अब कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, कांग्रेस की एक युवा टीम तैयार हो रखी है। कन्हैया कुमार कहते हैं कांग्रेस बचेगी तो देश बचेगा, कैसे देखते हैं इसे आप? दो अभूतपूर्ण घटना घटी है भारतीय राजनीति में और जो भारतीय जनमानस है वो आज सोचने पे मजबूर हुआ है कि जैसे अभी हमारे शकील साहब ने बात कही कांग्रेस की एक देश के नवनिर्माण में बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब उस कांग्रेस के बारे में आज जब जनता चर्चा कर रही है तो ये सोच रही है कि घर घर से अफजल देने वाले कन्हैया कुमार को शामिल करने वाली कांग्रेस, ये तो बताए प्लानिंग क्या है। दूसरा कि पंजाब के जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया उनके ऊपर जब उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दस्तावेज और साक्ष्य के साथ आरोप लगाए और भाजपा भी यही कहती रही कि भाई सिद्धू की भूमिका जो है पाकिस्तान के साथ जो है संदिग्ध है, और उसके बाद उस आरोप लगने के बाद उनका इस्तीफा आता है, देश के सामने तो ये स्पष्ट तो करना पड़ेगा ना, एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी भूमिका शकील साहब ने इतनी बड़ी गिनाई, घर घर अफजल की मांग करने वाले लोग आज आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपके एक वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री सबूत के साथ आरोप जब लगाते हैं और संगीन आरोप है और वो देश के खिलाफ जो उनकी भूमिका है उसको लेकर लगा रहे हैं और उस बाद उनका इस्तीफा कांग्रेस लेती है, ये अपने आप में सोचने पे मजबूर करता है किसी भी भारतीय को कि कांग्रेस की अब जो है प्रासंगिकता इस देश में क्या रह गई और कांग्रेस की जो है इस भूमिका को या कांग्रेस की जो निष्ठा है देश के प्रति तो उठते रहते हैं, बात कही जाती है, नेपथ्य में बहुत सारी बात चलती रहती है, किसी न किसी को लेकर गॉसिप रहता है, लेकिन अब तो ये स्पष्ट हो गया, ऐसा तो कभी आरोप किसी कांग्रेसी नेता पे लगा ही नहीं। ठीक है, और इस तरह के आदमी जो कि जिसके ऊपर अभी भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है उसको पार्टी में शामिल करके ये क्या संदेश देना चाह रही है कांग्रेस? ठीक है, ये स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, शकील जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं और मेहमान के पास रुक करूं। देखिए, हम इनकी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, इनके पास कोई रास्ता भी नहीं इसके अलावा बनाना, इसलिए के जितने आरोप ये लगाते हैं जिन लोगों के ऊपर ही लगाते हैं और उनको अपनी पार्टियों में ज्वाइन करा लेते हैं तो गंगा स्नान हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ब्लैक से सफेद हो जाता है। एक मिसाल नहीं है, कई मिसाल नहीं। इनके पास अगर इनके पास विश्वमोहन शर्मा है, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, कांग्रेस से लाए थे, बहुत अच्छे आदमी है, आज इंसान है, वही शर्मा के ऊपर लगातार इल्जाम इसी पत्र प्रकार का ये लगाते रहते थे जब ये कांग्रेस में थे। अब नितिन को वो उन्होंने जितिन प्रसाद को इन्होंने मंत्री कल ही ओथ कराया है और आप सिंधिया जी को जानते हैं, इससे पहले उन्होंने अपने सरकार में मंत्री बनाया है। तो ये कांग्रेस से जब इनके पास जाते हैं तो इन लोगों के ऊपर लगातार इनका आरोप जारी था, लेकिन इनके पास जाने के पास पवित्र हो जाते हैं, इसलिए इस तरह की ऐसा है क्या महेश जी? और सिद्धू जी, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं, और सिद्धू जी की जब बात करते हैं तो वो ये बताए ना, इस तरह के देशद्रोही इंसान को इन्होंने अपनी पार्टी में क्यों शामिल किया था? एक दूसरी बात, पूरी इनके पास एजेंसीज इनके हाथ में है,
इतनी दिनों से इनकी एजेंसी क्या कर रही थी, आज सिद्धू के बारे में समझ में आ रहा है इनको, और कल ये सिद्धू को ज्वाइन करा लेंगे और फिर कहेंगे वो पवित्र हो गया, सफेद हो गया, ब्लैक से सफेद हो गया। तो इनकी राजनीति यही है। महेश जी ऐसा है क्या, जब तक वो दूसरी पार्टी में तब तक तो भ्रष्टाचार के पुतले हैं, आपकी पार्टी में आते ही फटाफट गंगा जल छिड़क के उनको शुद्ध कर दिया जाता है? महेश जी जो शकील साहब बात कह रहे हैं, शकील साहब भी इस बात को समझ रहे हैं, ये हमारा आरोप नहीं है। मैं अगर कोई कह रहा तो उस चीज के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बड़े अदब के साथ शकील साहब आपके सामने ये रखना तो चाहूंगा ना कि इसमें तो कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं ना, कि अमरिंदर सिंह ने तथ्यों के साथ, दस्तावेजों के साथ देश भर में इस बात की उनकी भूमिका को संदिग्ध बताया, उनके पाकिस्तान कनेक्शन को, भाई पाकिस्तान से कनेक्शन है और देश हित में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कन्हैया कुमार के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा आरोप लगा रहा हूं, कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, हर घर से अफजल पैदा हो, इस बात से आप नकार रहे हैं या इस बात को आप इस बात के समर्थक है, ऐसी मानसिकता के समर्थक है? तो आप कहें देखिए देश वो कांग्रेसी हूँ अब पूरा कर लीजिए, जिसका नेता जो है कोई देश विरोधी भी काम करेगा तो भी हम उसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, ठीक है सर, मैं आपके पास एक सेकंड, ठीक है शकील जी, मैं आऊंगी, शकील जी मैं आऊंगी, मेरे पास और भी गेस्ट है, मैं आऊंगी इस विषय पर आपसे पूरा पूरी कर लूंगा, बिल्कुल जल्दी से रखिए अपनी बात जी। मैं ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके जो डिफिनेशन है, जिनके ऊपर सेडिशन का ये लगा दी लिस्ट है, अगर बताया जाए तो इनको पता चल जाए क्या करें, अभी डिबेट का नहीं है। यानी ये एक्चुअली ये पॉलिटिकल उद्देश्य से आज तक इनको ये पता नहीं चला कि वो नकाबपोश जो जेएनयू में वो लोग हजार सैकड़ों की तादाद में गए थे और उन्होंने जो घटनाएं घटी थी वो कौन थे, ये अब नहीं बता पाएंगे, जबकि इनके पास है पूरी एजेंसी, इनके पास मौजूद है। अगर ये समझते सिद्धू के लिए ये बात है तो इनकी एजेंसी क्या कर रही है, करे ना प्रूफ करें। पॉलिटिकल आरोप होता रहता है, लेकिन हम पूछते हैं अगर इसमें कोई सच्चाई है तो इनकी एजेंसी इसकी बात रखे और कार्रवाई करे, अगर इनमें हिम्मत है तो। यही आपसे सुनना चाह रहा था बस, कि आपने जेएनयू को जस्टिफाई कर दिया, बस बात खत्म। ठीक है बादल जी, सवाल इस बात को लेकर है, जेएनयू इसी भारत के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिसके हजारों की तादाद में आईएएस अफसर हैं, आपके आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी उसी जेएनयू से हैं। ठीक है, और नीति निर्धारण के लिए जेएनयू वाले महत्वपूर्ण रोल आप भी अदा कर रहे हैं। ठीक है बादल जी का रुख कर लेते हैं, ठीक है शकील जी, करना चाहते हैं जो उचित नहीं है भाई हमारे। ठीक बादल जी, सवाल इस बात को लेकर है, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की एंट्री कांग्रेस के अंदर हुई क्या? इससे पहले भी कई एंट्री हो चुकी है लेकिन कई नेताओं के जाने का सिलसिला भी कांग्रेस से रहा है, यानी कि आयाराम गयाराम वाली स्थिति अभी फिलहाल चुनावों से पहले देखने के लिए मिल रही है। सवाल इस बात को लेकर, क्या इससे कांग्रेस मजबूत होगी और क्या बाकी पार्टियों को भी इससे असर पड़ेगा क्या? मैडम इस विषय में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। कौन कन्हैया कुमार मैं जानता नहीं हूँ, जी दूसरा कोई सवाल है तो बोल। ठीक है ठीक है, आप कन्हैया कुमार को नहीं जानते हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है सर, ठीक है आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल लाल जी किस तरह से इसे देखते हैं और इससे कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए जिस तरह से कांग्रेस में लगातार उछल उछल पुथल की स्थितियां बनी हुई रही थी, तो ऐसे में कांग्रेस को इस तरह के कुछ निर्णय लेने की बड़ी आवश्यकता थी। लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे थे कि जो है युवा वहां से जा रहे हैं, इसमें दो बड़े युवा शक्तियों को कांग्रेस में शामिल किया है। देखिए अगर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसके पहले मध्य प्रदेश में क्या घटना, पहले सचिन पायलट का भी घटनाक्रम सामने में था, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार दबाव की स्थिति बनी हुई। सर यहाँ से तो बादल देवनाथ जी बैठे हुए हैं, अगर याद कीजिएगा
तो अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो चुनाव से पहले तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा टीएमसी के कितने बड़े बड़े नेताओं को भारी संख्या में शामिल किया। तो देखिए, पार्टी अगर मजबूती से लड़ती है तो फिर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि फिर सारे वही लोग जो बीजेपी में शामिल होकर फिर से टीएमसी में जाने के लाइन लगाएंगे। आज यहाँ पे स्थिति यह है कि देखिए, अगर हम लोग दिग्विजय सिंह की बात करें तो उन्होंने एक तरफ से दलितों के मामले को काफी गंभीरता के साथ गुजरात को उठाया हुआ था, और एक दलित मामले को लेकर उनकी काफी बड़ी छवि बनी है। अगर उनको लाके, क्योंकि जिस समय पंजाब में एक तरह से दलित मुख्यमंत्री को लाया गया है वहां से वो ला रहा है, और अगर ऐसे में कांग्रेस की तैयारी दिख रही है हमें कि वो कहीं कहीं देश भर के मतदाताओं को कुछ कठोर संदेश देना चाहती है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि कन्हैया कुमार के मामले को लेकर अभी बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे कि देशद्रोह के आरोपी को कैसे आप कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, तो हम लोगों ने तो ये चीज देखा है कि भारतीय जनता पार्टी महेश वर्मा जी जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ पे तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी हम लोगों ने देखा जो अभी भी आतंकवाद के सभी मामलों के आरोप मुक्त नहीं हुए। ठीक है, चुनाव से पहले जो आराम गराम की स्थिति होती है, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा है जब चुनाव नजदीक थे उससे पहले बीजेपी ने किस तरह से तमाम नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया था। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। बादल जी, आपसे सवाल मेरा इस बात को लेकर भी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा सर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे, कई आप लोगों की पार्टी से जो नेता है वो बीजेपी में चले गए थे। जो चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति होती है वो काफी ज्यादा हावी हो जाती है, और इसके मद्देनजर देखा गया था कि टीएमसी के कई नेता टीएमसी को छोड़ चुके थे। हाल ही में सुष्मिता देव की बात करें या गोवा के एक और नेता की बात करें, वो भी टीएमसी में शामिल होने वाला है। सुष्मिता देव को तो आपने शामिल कर ही लिया है। एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि विपक्षी एकता के साथ तमाम सर्वदलीय बैठक करते हैं, एकजुटता बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का सिलसिला नहीं रुक रहा, सर कैसे फिर एकजुटता दिखाई जाएगी? राहुल लाल, सवाल इस बात को लेकर जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, अगर हम देश की राजनीति के संदर्भ में देखें, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, उससे पहले कन्हैया कुमार का, जिग्नेश का, और ऐसे में उससे पहले हमने देखा हार्दिक पटेल भी कांग्रेस में शामिल हुए, ये जो तमाम युवा नेताओं का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि जाने वालों का जो संख्या है वो ज्यादा है, आने वालों की कम दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या राहुल की जो टीम तैयार करने की बात की जा रही है, इससे क्या राहुल की टीम तैयार होगी और क्या कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? नेहा जी, देखिए, राहुल जी को टीम तो इसी तरह से तैयार करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपने टीम को तैयार करने में कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए कि उन्होंने पंजाब के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू पे भरोसा किया वहां पे, लेकिन अब देखिए पंजाब की स्थितियों का अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस काफी सही रणनीति के साथ आगे चल रही थी, वहां पे एक दलित मुख्यमंत्री को पहली बार सामने भी लाया गया, लेकिन अच्छा पूरे के पूरे चन्नी एक तरफ से जब वो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे तब भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सिद्धू की सहमति भी थी, मंत्रिमंडल विस्तार में भी सहमति थी, लेकिन अब सिद्धू ये चाह रहे थे कि भाई जो मुख्यमंत्री है वो रबर स्टैम्प के रूप में रहे, कौन बनेगा डीजीपी वो तय करें, कौन बनेगा मुख्य सचिव वो तय करें। तो अब देखिए इस जगह पर टकराव की स्थिति आई, सिद्धू कहीं कहीं काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, तो जब आप बाहर के लोगों को जब आप ला रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी प्रवृत्ति किस रूप में, नेचर किस रूप में है। क्योंकि जब आप दिल्ली में दो बड़े लोग एक तरह से दो युवा शक्ति शामिल होने वाले थे, तो पंजाब में जो घटनाक्रम घटी उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पंजाब के जो अध्यक्ष चहल जी उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर कैबिनेट में जो सिद्धू की समर्थक मंत्री थी रजिया सुल्ताना उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आपको कहीं ना कहीं एक सावधानी भी रखनी पड़ेगी कि आप जब नए लोगों को ला रहे हैं तो उसमें कम से कम देखिए राजनीति में धैर्य आवश्यक होता है कि पार्टी आपको जिस जगह पर जो कार्य दे वो काम आप करें। आपकी महत्वाकांक्षी कि आप पार्टी में शामिल हो और आपको अगले दिन मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो ऐसे लोगों से पार्टी को दूर रखने की भी जरूरत है। तो यह ध्यान भी रखना पड़ेगा, लेकिन इन सावधानियों के साथ अगर यात्रा की जाएगी तो टीम बनेगी जरूर। देखिए पार्टी में आवश्यक है कि आपको नए और पुराने पीढ़ी को जाना भी होगा, नए पीढ़ी को आपका स्थान देना भी होगा। जी जी, ये प्रकृति का निरंतर नियम है, तो आपको नई पीढ़ी को आपका स्थान देना होगा नेहा जी, और ये कांग्रेस कर रही है जी, कांग्रेस ये कर रही है। लेकिन शकील जी, क्या सावधानियां नहीं बरती जा रही है कि जो हादसा अभी पंजाब में हुआ वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है कांग्रेस को? सावधानियां बरतनी कितनी जरूरी है? देखिए, आप जो सही कह रहे हैं कि सावधानियां तो जरूरी बरतनी चाहिए, और जो भी एहतियात है हर पार्टी बदलती है, लेकिन आज का जमाना बदल गया है। अब वो पुराना जमाना नहीं है कि जो आदमी एक पार्टी में आता था
वो अपनी मौत के बाद ही पार्टी में उस पार्टी के झंडे के साथ उसके क्रियाक्रम होती थी, वो जमाना नहीं है। अब आप देखिए किस पार्टी की बात कीजिएगा, हम बहुत पार्टी से एवं होके बात कर रहे हैं, किसी पार्टी की बात कर लीजिए। शकील जी, जो महत्वाकांक्षाएं जिस नेता पर हावी हो, ऐसे नेताओं को क्या पार्टी में लेना चाहिए? भाई किसकी महत्वाकांक्षा कब होगी? वही सिद्धू जी की बीजेपी में जाएंगे तो ठीक है, कांग्रेस में गड़बड़ है, और कांग्रेस से निकल के फिर बीजेपी में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर, हमारे दोस्त बीजेपी के भी साथी बैठे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो हमारे। आप बताते हैं हर पार्टियों में ये सिस्टम बढ़ रहा है कि वो जाते हैं जो पदों के लिए, अगर उनके पदों नहीं मिलती है तो पहले तो आइडियोलॉजी की बात करती है, सेवा की बात करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो एक महेश जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप शकील जी की बात? मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से, सावधानी पूरी बरतनी चाहिए 100%, लेकिन सावधानी पार्टियों के बदलने से व्यक्तियों के ऊपर अब नहीं पड़ेगा फर्क। ठीक है, ठीक है महेश जी आपसे सवाल है मेरा, कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? और सवाल इस बात को लेकर भी है सर, क्योंकि हमने बीजेपी में भी देखा, अगर जितिन प्रसाद आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, तमाम और नेता आए, एक डील होती है क्या कि अगर आप हमारी पार्टी में आ जाएंगे तो हम आपको ये पद देंगे, या महत्वाकांक्षा इतनी हावी होती है? बोलने दीजिए नेहा जी, मैं आपकी बात को समझ गया। हाँ देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस से जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी है, डॉक्टर अंबेडकर आए, बहुत लोग आए, कांग्रेस से कैसी धारा आ रही है, पूर्व कांग्रेस की अहमियत होती थी, परिणेता पार्टी थी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि शकील साहब का वो कद और काठी क्यों नहीं है जो आज का नैया कुमार की है, जो नवजोत सिंह सिद्धू की क्यों नहीं है, जो शकील साहब आज, शकील साहब कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आज नहीं रहे, कद्दावर नेता, ऐसे चेहरे कांग्रेस के पास, क्योंकि ये जो है भारत माता को गाली नहीं दे सकते हैं, ये अफजल गुरु की ये तारीफदारी नहीं कर सकते हैं, ये घर घर अफजल पैदा करने की बात नहीं कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के इमरान खान को अच्छा नहीं बता सकते हैं। चेहरा, ऐसे चेहरे कहां गए? और सवाल है कि ऐसे स्वच्छता की राजनीति आजकल खत्म हो गई है क्या शकील अंसारी जी? राजनीति हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं हमारे वर्मा साहब, हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात कहे, हम उनका धन्यवाद करते हैं, इंसान अच्छे हैं, अलग बात है कि गलत पार्टी में फंसे हुए हैं। नहीं नहीं, बात खत्म होने दीजिए, आज कर लीजिए, मुझे नेहा ने कहा इसे मैं बोल रहा हूँ, शकील साहब आप कर लीजिए, हम नेहा जी हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है, कोई भी है, हम उससे पहले भारतीय है, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, हम सब राजनीति कांग्रेस बचेगी तो देश बचेगा क्या? ये किसने कह दिया? ये शकील साहब भी कह सकते हैं, कन्हैया कुमार ने कहा है सर, यही बात, इसी चीज को जो है ना, जरूर आपकी आवाज पर नहीं मिल पा रही है, देश से कांग्रेस का निर्माण हुआ, इस देश के लोग निर्माण करते हैं, ये कैसा सवाल है, ये कैसी बचकानी बात है, ये कैसे, ये 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है या नहीं है? आप बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करें शकील साहब। देखिए वर्मा जी, आपके आइडियोलॉजी आपकी सही है, आपकी पार्टी सही है, आप भी हैं, आप सही इंसान की तरह बात करते हैं, वो भी सही है, लेकिन हर पार्टी का अपना आइडियोलॉजी, हमारा आइडियोलॉजी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये भरोसा है कि देश की आजादी में जो त्याग किया है, देश को आगे बढ़ाने में जो जिस पार्टी का रोल है, और वो पार्टी आज भारत को और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाएगा, ये सोच जो है वो सही सोच है। क्योंकि आपको 7 साल के सत्ता के बाद, आप खुद देखिए, आपने जितने बड़े बड़े नारे देके, जितनी बड़ी बड़ी सपने दिखा के आपने सत्ता में आए, हम तो आपसे कहते हैं कि आप देखिए, आपको मौका जब मिला, आपकी सरकार को मौका मिला, आपने मोदी जी को अपना नेता बनाया, आपने आडवाणी जी को नहीं मौका बनाया, हमने नहीं कहा,
व्यक्ति तो आपके यहाँ भी है, बहुत सारे लोग थे, बहुत से सीनियर थे, ये कहानी अलग है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी आइडियोलॉजी से इस देश की जनता को एतराज है, हमें एतराज है, क्योंकि आप जो विभाजनकारी नीतियां आपकी हैं उससे देश कमजोर होगा। बिल्कुल। और आज आवश्यकता है कि देश की मजबूती के लिए सब में यूनिटी हो, देश के जी बहुत स्वागत है आपका। आपके पास मैं आऊंगी उससे पहले रुक करते हैं राहुल लाल का। राहुल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर बात कन्हैया कुमार की करें तो कन्हैया कुमार बिहार में क्या फायदा दिला सकते हैं कांग्रेस को, और अभी आने वाले 5 राज्य में जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या और कुछ नहीं तो कम से कम भीड़ इकट्ठा करने में उनकी कहीं ना कहीं भूमिका रह सकती है क्या राहुल जी? लेकिन यहाँ भी आपके सवाल तक मैं आ ही रहा हूँ, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग डिबेट अभी महेश वर्मा जी और सचिन अंसारी जी के बीच में चल रही थी। महेश जी काफी चिंता कर रहे थे सचिन जी को लेकर, काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को कांग्रेस में शामिल किया गया और उन्हें एक तरह से मंत्रिमंडल में हिस्सा भी दिया गया उन्हें। लेकिन वही लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिनको जिनके एक तरह से वो अध्यक्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के, और आप अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें 90% का स्ट्राइक रेट था, तो आप हम लोग हमें तो अभी भी वो छन जा रहे हैं जी की किस तरह से वो ऐसे एक मामले का अगर उस समय समाजवादी पार्टी के एक एक कमियों का अगर कोई सामने रखता था तो वो एक तरह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे। तो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी उन्हें भी दी जा सकती थी, केवल यह कह देना कि 2017 चुनाव हार गए, तो चुनाव तो हम लोगों के पूर्व वित्त मंत्री भी हारे थे चुनाव, फिर भी उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। तो देखिए पार्टियों में इस तरह की चीजें चलती है, हम लोग देखते हैं कि कई बार आप बाहर के लोगों को लाते हैं और आप उससे कुछ अलग से परिणाम की अपेक्षा करते हैं, उनको पर धरते हैं। बात है कि अपने अपने जो घर के जो लोग होते हैं उन पर भरोसा कम किया जाता है बजाय जो बाहर से आते हैं उन पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। ये एक ट्रेंड चल रहा है आज, अच्छा ट्रेंड नहीं है ये, मैं इस ट्रेंड को बहुत अच्छा नहीं मानता। लेकिन हाँ, जो कन्हैया कुमार के लेकर प्रश्न है, क्योंकि कन्हैया कुमार की जो छवि है उसको केवल बिहार की छवि से तो नहीं जोड़ा जा सकता, जिस तरह से वो बोलते हैं और उनकी जो पूरी शैली रही है, तो एक तरह से जो युवाओं को वो आकर्षित करते हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का प्रयास होगा कि एक तरह से उनका प्रयोग किया जाए। क्योंकि देखिए राष्ट्रवाद और तमाम तरह के मामले भारतीय जनता पार्टी उठाती है, लेकिन वो जिस तरह से आर्थिक मामले होते हैं तमाम तरह की चीजें तो केंद्र सरकार की बनता है उसको वो रखते हैं। तो एक तरह से विमर्श रूप में कहीं ना कहीं बीजेपी के असफलताओं को जनता तक समान ढंग से सरल भाषा में पहुंचाएं, कांग्रेस उस रूप में उस भूमिका का उनका प्रयोग करना चाहेगी। जी ठीक है, महेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए जल्दी से। कहना चाह रहा हूँ ये राहुल लाल जी का मानसिकता कुछ भी हो सकती है, कहने और समझने में हो सकती है गलती लगी है मुझे इनके बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में कन्हैया कुमार की तरह जो भारत माता के टुकड़े करने की जो बात करता हो, जो अफजल गुरु को अपने आदर्श मानते हो, वो देश में उसको अपना आदर्श मानेंगे, वो उसके तरफ आकर्षित होंगे, ये राहुल लाल जी कह रहे हैं। इसके साथ जो है अपनी बात को रखते हैं। रही बात सकील साहब की, तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं आप नहीं बोला हूं ना, नहीं बोला हूं ना, आप नहीं बोला हूं ना, आप सही है, मैं नहीं बोला हूं आपके बीच में, नहीं जो सही है आपके, मैं नहीं बोला हूं, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है जल्दी से रखिए अपनी बात महेश जी, ये क्या तरीका है? ठीक है ठीक है, जब आपकी बारी आपके किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान समर्थक है, आप लश्कर ए तैयबा के समर्थक है, अरे आपका उसके लिए मैं नहीं रोक सकता, बात करते हैं, आप कुछ सुनने की आदत कीजिए महेश जी, आप आपके कहने पाकिस्तान समर्थक आदर्श मानते हो, कुछ भी हो सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति का तुलना आप कन्हैया से मत करिए। नहीं नहीं, मुद्दे पे आइए महेश जी, जो बाहर से नेता आते हैं उनको क्या गिफ्ट दिया जाता है क्या? उस पर जिग्नेश मोवानी पर हो रहा है भाई, शकील साहब पर नहीं हो रहा है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि मुद्दे पे आइए आप। महेश जी मुद्दे पे आ जाइए, बेसिर पैर की। देखिए मैं नेहा जी स्पष्ट कर दूं कि आज के डेट में पंजाब में जो हुआ है, जो सिद्धू साहब का इस्तीफा हुआ, उसने जो
एक राजनीतिक चुनौती वहां पैदा हुई है, जिस तरह से राज्य में अस्थिरता बढ़ी है, जिस तरह से वहां राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, वो बड़ी चिंतनीय है, उसकी चिंता करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जिसको जिस को यह कह के बनाया गया कि हमारे दलित मुख्यमंत्री को मिल रहा होगा, अब दलित समाज को यह एहसास हो रहा होगा कि इन्होंने हमारे एक दलित नेता को पहले बना था, इनको एक कुर्बानी का बकरा चाहिए था, वो एक दलित समाज का आदमी मिल गया और कोई मिला नहीं। अब इन्होंने उस मुख्यमंत्री को, इन लोगों ने ये कहते हुए उसको महिमा मंडित किया कि देखिए दलित समाज सबसे ज्यादा वोटर है, उसको अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। ठीक है, इस पे शकील जी से रिएक्शन लोगे, लेकिन उससे पहले आयान मजूमदार कर लेते हैं। आयान जी, सवाल इस बात को लेकर है, चुनावों से पहले जो आया राम गया राम की स्थिति रहती है, सर पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि चुनावों से पहले टीएमसी लगभग के काफी ज्यादा नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, ऐसे में क्या कुछ नेताओं के जाने और आने से क्या पार्टी पर कोई असर पड़ता है क्या, और क्या चुनाव में ये देखने के लिए मिला? आयान जी, पहले तो नमस्कार सबको जी। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जो आयाराम गयाराम का पॉलिटिक्स हुआ है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने देखा था बीजेपी का, मतलब अमित शाह ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजा था और 10 लीडर को, मतलब टीएमसी का लीडर को बंगाल से उड़ा के लेके गया था और ज्वाइनिंग हुआ था दिल्ली में। 10 का 10 ही लीडर हार गया, क्योंकि बंगाल में एक ही चीज है, ममता बनर्जी। एक ही व्यक्ति फैक्टर है पॉलिटिक्स में, दैट इज ममता बनर्जी, और कोई नहीं है। इसलिए आयाराम गयाराम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी को अगर इच्छा होगा वो तृणमूल में आके काम करेंगे, किसी को इच्छा होगा कांग्रेस में जाके काम करेंगे, मगर हम जो विपक्ष है, हमारा मेन मुद्दा है कि आज का डेट में देश में जो अस्थिरता है, देश में जो खराब हालत है, देश में जो बेरोजगारी है, देश का जो आर्थिक अवस्था खराब है, बैंक का जो हालत खराब है, लोगों का इतना गरीबी है, उससे देश को मुक्ति डाल, मतलब ठीक है। आयान जी, आयान जी, आप कन्हैया कुमार जिग्नेश की, जो जिग्नेश मेवानी है, उसकी एंट्री हो गई क्या अब कांग्रेस पार्टी में? ऐसे में आप लोगों की पार्टी में भी सुष्मिता देव ने अभी हाल ही में एंट्री की है, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब एंटी बीजेपी यानी कि कांग्रेस बीजेपी मुक्त भारत की अगर हम बात करें, तो क्या इसमें कांग्रेस के साथ समर्थन के साथ आप आगे बढ़ेंगे क्या, और ये कैसे पॉसिबल है सर, जब कांग्रेस के नेताओं को ही आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं? हमारा कांग्रेस से कोई झगड़ा नहीं है, कांग्रेस के साथ कोई झगड़ा या कांग्रेस के साथ हमारा कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में लेकर या आपकी पार्टी के नेता कांग्रेस में जाएंगे, तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं, एक बात बताइए, माननीय सुष्मिता देव असम में, असम का एक बड़ा लीडर थे, अभी उनके साथ कांग्रेस का बन नहीं रहा है, और सुष्मिता देव चाहते हैं कि बीजेपी के तरफ वो लड़ाई करे, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तृणमूल कांग्रेस है, तो इधर आ गए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो एक साथ लड़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चलते। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों से पूछेंगे शकील जी, क्योंकि जातिगत आधार पर खेलने की भी बात की जा रही है, जिस बात का जिक्र भी महेश जी कर रहे थे कि अगर दलित को सीएम बना दिया तो ये कहीं ना कहीं सिंपथी लेने की कोशिश की। देखिए, अभी तक किसी ने दलितों की बात नहीं मानी थी, दलितों की बात नहीं सुनी थी इससे पहले। अब जिस तरह से गुजरात में भी अगले साल के एंड में चुनाव होंगे, वहां पर जिग्नेश मेवानी को अपनी पार्टी में आपने ले लिया है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, और क्या पड़ेगा चुनावों में? देखिए, जरूर चुनाव में पड़े ना पड़े, पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी के आइडियोलॉजी को मानते हुए अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसे इनकार नहीं किया जा सकता है, और निश्चित रूप से किसी आदमी के आने से उतना योगदान ही पार्टी में देगा, इसलिए पार्टी की मजबूती होगी। अब हमारे दोस्त वर्मा साहब अभी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि हम लुभाने के लिए वोटर को ये कह रहे हैं, तो उनको याद है कि नहीं, 7 साल पहले और ज्यादा यंग थे वो बेचारे, हमारे दोस्त हैं, हम लोग मिलते जुलते थे, तो उस वक्त जब इनके प्रधानमंत्री जब बताते फिरते थे कि हम ओबीसी के हैं और हम गरीब हैं, हम चाय बेचते थे, मेरी माँ घर घर काम करती थी
और वो सम्पैथी लेने की जब कोशिश करते थे तो उस वक्त इफेक्ट पड़ता था कि नहीं पड़ता था, एक बात है। और उसके बाद आपने उस नाम पर ओबीसी को अपने प्रधानमंत्री बनाया निश्चित रूप से, चाहे ओबीसी का काम नहीं हो रहा। तो आज आप उत्तर प्रदेश में घोषित कर दीजिए ना भाई कि दलित हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, कोई जरूरत है? जब आपको सिर्फ यही नहीं है कि दलित समुदाय आगे नहीं बढ़े, ये को हमने अगर बनाया तो आपने पहले घोषणा किया था कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसीलिए कि दलित की भागीदारी भी बराबर से इस देश के अंदर, ओबीसी की भागीदारी, महिलाओं की वो भागीदारी बराबरी से होनी चाहिए। आप भी दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट रिशफल करते हैं और बताते हैं कि इतना ओबीसी हमने शामिल किया, इतना हम दलित शामिल किया, क्यों बताते हैं? ठीक है, ये भी धोखा देने के लिए अगर है तो आप भी यही काम कर रहे हैं ना। ठीक है महेश जी, महेश जी बता दीजिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में आप अगर आप अगर आप नेता को कैबिनेट में शामिल करते हैं, बताते हैं उनकी जात और ये बताते हैं कि एससी एसटी तकलीफ क्यों है। ठीक है सर, अगर आप एससी एसटी को शामिल करते हैं, ओबीसी को शामिल करते हैं, तो बता के शामिल किया जाता है कि जी देखिए एससी और एसटी के हम कितने हितैषी हैं, ओबीसी के हम कितने हितैषी हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल होता है तब वहां पर वाहवाही करने की बात की जाती है। पंजाब में सीएम दलित बना दिए तो इसमें दिक्कत क्यों? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्रियों के खुद इलेक्शन रैली में खड़ा होकर बोलते हैं मैं दलित हूं। मैं नेहा जी एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मेरी अभी चिंता जो है वो पंजाब को लेकर थी, जहां एक मुख्यमंत्री को ये कहते हुए बनाया गया। मुझे इस पे आपत्ति नहीं है कि कांग्रेस जो है इस बात को क्यों कह रही है कि उसने दलितों को सम्मान दिया या उसने दलितों एक दलित मुख्यमंत्री बना के एक बहुत अच्छा काम किया, एक वंचित वर्ग को कहीं कनेक्ट किया अपने साथ 70 साल बाद। इस चीज पे मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज इस बात पे है कि आप जिस रणनीति के तहत, आपको मालूम है कि अमरिंदर सिंह माइनस जो है कांग्रेस वहां खत्म है, अब सिद्धू माइनस होने के बाद वहां कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति क्या बन गई। ऐसे में एक आप जब पहली बार वहां एक निर्णय ले रहे हैं, एक दलित मुख्यमंत्री को आप बना के और उसका श्रेय और क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, तो आप उस मुख्यमंत्री को आप किस शासन में अब डाल दिए और वो मुख्यमंत्री अब कितने दिन का होगा और उसके मुख्यमंत्री होने का, एक दलित मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या रह गया? तो सर ये तो आपसे भी पूछा जा सकता है ना कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार किए हैं, कितने दिन के लिए आपने कैबिनेट में मंत्री बनाए हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, बता दीजिए ना। अरे भाई हमारी तो स्थिर सरकार है ना, अब ये एक महीने की सरकार है। आप किस स्थिर सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा अगर करे तो उस पर उंगली उठा देंगे हम। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि आप हम तो ये नहीं कह रहे ना कि हमने ये काम जो किया बिकॉज ऑफ दैट कि बैकवर्ड को हम सम्मानित करना चाहते हैं। ये बार बार कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि हमने कहीं सुना है कर रहे हैं किसी मुंह से सुना आप? लेकिन आपकी पार्टी में बहुत सारे प्रवक्ता, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे चिंतक हैं जिन्होंने सभी इस बात को कहा है, इसलिए इस बात से आप इनकार मत कीजिए वर्मा साहब। और आप समझते हैं तो आप दो ही दिन के लिए आपकी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि हम तो सभी जातियों का ध्यान रखते हैं, इसलिए उनको उनको राज्य मंत्री बनाया गया है, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया है, सभी जातियों का ध्यान रखने के लिए उन्हें मंत्री बनाया गया है। सर मुझे तो ये लगता है कि जो तमाम और विधायक है, क्या उनका भी नंबर आएगा? ये आना चाहिए था 5 साल में। चले लगता आवाज नहीं मिल पा रही। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया तमाम, आपने विस्तार से हमसे चर्चा की और इस विषय पर, इस विषय के बारे में तफसील से चर्चा की है। दरअसल अब मुद्दा यही है कि क्या कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के कांग्रेस में शामिल होने से क्या पार्टी को मजबूती मिलेगी और क्या जिताऊ नहीं तो कम से कम भीड़ इकट्ठा करने में ये कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नजदीक है और ऐसे में भीड़ कितने अच्छे से इकट्ठे कर पाते हैं वाकई देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।